विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। राजीव भवन में हुआ पूजन अनुष्ठान और सामाजिक सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस पर शासन द्वारा घोषित अवकाश के बावजूद खुला स्कूल, युवक कांग्रेस ने जताया ऐतराज। विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह द्वारा जारी है विकास कार्यों का सिलसिला। लालबाग क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। और विधानसभा चुनावों को लेकर तेज हुई सरगर्मियां। कांग्रेस का सघन जनसंपर्क अभियान सतत जारी। गोलगंज क्षेत्र पहुंचे पूर्व विधायक दीपक सक्सेना। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आदिवासी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बड़ा देव की पूजा अर्चना और आरती के साथ हुआ, जिसके बाद सामाजिक पंडा पुजारियों का सम्मान कर सभी ने शुभाशीष ग्रहण किया। अपने धर्म परंपरा एवं रीति रिवाजों के अनुरूप आयोजित इस कार्यक्रम में धरती पर आदिकाल से वास करने वाले आदिवासी समाज की प्रगति, भाषा, बोली, कला और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक जतन उइके, उपाध्यक्ष प्रदीप सक्सेना, समन्वयक आनंद बख्शी, महेश ध्रुवे, कमलेश शाह और संगीता परतेती ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा आदिवासी समाज के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस अवसर पर समाज के कलाकारों ने अपनी संगीतमय प्रस्तुतियां दी। सक्सेना जी और हमारे बड़े भाई प्रेरणा स्रोत भाई सम्मानित सीताराम डेहरिया जी और बादल भाई के वंशज और उनके साथ में आए सम्मानी कुमरे जी और पूरे जिले से बधाए हुए हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष और सम्मानी हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष भाई संजय कर्तव्य जी, सचिव भाई दशरथ विके जी सहित जिला आदिवासी प्रकोष्ठ की पूरी टीम अपने फर्ज का निभाते हुए पूरे जिले से आए हुए सम्मानी आदिवासी भाइयों की पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत है और हमारे जिनके नेतृत्व में जिनके आशीर्वाद से जिनकी कृपा से पूरे छिंदवाड़ा जिले में ये नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की अलग जगह जगह चल रही है और सब लोग माननीय कमलनाथ जी की ओर ताक लगाए हुए हैं जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में आदिवासी दिवस के रूप में कोई छुट्टी यहाँ देता नहीं है। तो माननीय कमलनाथ जी के हम ऋणी हैं जिन्होंने तुरंत यह कहा कि मैं लोक सचिव और राज्यपाल को पत्र लिखूंगा, निश्चित रूप से 9 अगस्त की छुट्टी स्वीकृत होगी। तो वाकई में हमारे नेता के कहने में छुट्टी स्वीकृत हो गई। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। कहते हैं पहला देवता वो होता है जो जीवन देता है और दूसरा देवता वो होता है जान बचाने वाला होता है। ऐसे देवता माननीय कमलनाथ जी की हम परम शक्ति बड़ा लेकर पकड़ना चाहते हैं, पूरी समाज से निवेदन करना चाहते हैं। जहाँ माननीय कमलनाथ जी की बात आती है, माननीय कमलनाथ जी आदिवासियों के लिए आज भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करते हुए हमें उनको साथियों वाकई में कांग्रेस का हितैषी है और कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है। इसको कोई झुठला नहीं सकता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता।
जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के पश्चात जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी एवं जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक अध्यक्ष संजय परतेती के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अपनी मांगे रखी। उसके ऊपर भी अपराध कायम हुआ, उसके बारे में भी देखे हमने। उनसे कोई बाबू है जो 10,000 रुपये मांग रहा था, अगस्त को आदिवासी दिवस छिंदवाड़ा में मनाया गया। हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के माध्यम से ये दिवस मनाया गया, जिसमें आदिवासियों को जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, इन सब लोगों को चर्चा की है। और आदिवासी प्रकोष्ठ ने मांग की है कि ये जो आदिवासी दिवस है, इसको आदिवासी अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए। ये बात उन्होंने अपने नेता माननीय कमलनाथ जी से और अन्य सभी नेताओं से की है। उसके साथ ही जो आदिवासियों को लेकर के समस्याएँ, वो अभी बहुत सारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से जिस तरह महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों का जिस तरह शोषण हो रहा है, और अभी आपने सुना होगा कि हॉस्टल में जो स्थिति हुई, हॉस्टल में बच्चे आपस में लड़ गए, परंतु वहां पर कोई अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं था, कोई अधीक्षक नहीं था। इसी प्रकार हॉस्पिटल में भी यही बात हुई कि उसके आदिवासी के साथ जो है बदतमीजी की, उसके खिलाफ केस रजिस्टर है, परंतु जिस तरह से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, वो कोई कार्रवाई नहीं। तो आज जो आदिवासियों का शोषण हो रहा है, वो इसके साथ ही आदिवासियों को जो कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, कमलनाथ जी की सरकार थी, तब उन्होंने कानून पास किया था कि कानून वनाधिकार के अंतर्गत जो आदिवासी जहां निवास करता है उसको वहां पट्टा दिया जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून का दुरुपयोग किया और उसने जो वास्तविक आदिवासी जिनको पट्टा दिया जाना था उनके बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए। इस तरह ये सरकार हमारे आदिवासी साथियों का शोषण कर रही है। इसी प्रकार आरक्षण पे जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान देते हैं, उनके आरएसएस के लोग बयान देते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, दूसरा कहता है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, ये जो उहापोह की स्थिति आई है, इस पर भी आदिवासी प्रकोष्ठ ने अपनी चिंता व्यक्त की है और मांग की है कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जिससे SC या ST प्रकोष्ठ के आरक्षण पर कोई उंगली उठा सके। प्रकोष्ठ के तत्वाधान में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया। इसके लिए हम माननीय कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों ने माननीय कमलनाथ जी से मांग की थी कि छिंदवाड़ा जिले की छुट्टी प्रदान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं आदिवासी समुदाय के, जहाँ उन्होंने प्रशासन को पत्र लिख के और मुख्य सचिव को पत्र लिख के छुट्टी घोषित करवाई। इसके लिए माननीय कमलनाथ जी का हम सभी बहुत बहुत आभारी। ग्राम काराबोह में आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भारतीय समाज सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। गांव के भारिया टोला स्कूल के पास आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पार्षद कैलाश भारती सहित सामाजिक वरिष्ठ जन एवं पदाधिकारी मौजूद थे। बच्चों को बोलते हैं
आदिवासी दिवस पर आज भरिया समाज की ओर से हमने भरिया टोला स्कूल ग्राम कारावो में 10 वृक्ष रोपण किया गया, जिससे आने वाले समय में भविष्य में वातावरण स्वच्छ रहे और हर किसी को ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा मिले, इस आशा करते हुए हम लोगों ने वृक्षारोपण करवाए हैं। और अब भविष्य में हम चाहेंगे कि और भी वृक्षारोपण करें ताकि आने वाला भविष्य अच्छा हो। पेंशनर्स भवन में आज मूल निवासी संघ द्वारा विश्व मूल निवासी दिवस समारोह 2018 का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु प्रयासों और उपलब्धियों पर संगठन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ जनों ने अपने विचार रखे। अपने मेंबर्स को खुद चुन सकते हैं, पर जो मतलब जो वोटिंग का सिस्टम रहेगा वो संयुक्त रहेगा। तो इस तरीके से अधिकार होता तो हम मतलब हमारा ये दलित प्रतिनिधि होता और उस दलित प्रतिनिधि को वोट देने का राइट मतलब टोटली हमारा होता। और इसके बाद यदि कोई सामान्य सीट से यदि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति खड़ा होता है तो हम उसको अलग से वोट भी दे सकते थे, पर ये राइट हमसे टोटली छीन लिया गया था। पूना पैक्ट के तहत कुछ खैरात में हमको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था कि ठीक है आप लोगों को सरकारी नौकरी में कुछ सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाएगी, कुछ शिक्षण संस्थाओं में आप लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएगी। तो मतलब कहना चाहिए कि जो हमारा सॉलिड मतलब राइट था वो हमसे छीन कर। धन्यवाद सविता पाटिल जी। पूना पैक्ट के बारे में सार्थक जानकारी रखें उसी के लिए है। सुरवीर हम मूल निवासी प्रकृति पूजक हम। सुरवीर हम मूल निवासी प्रकृति पूजक हम। आदिजन विकास महासंघ समिति जिला इकाई का सामाजिक सम्मेलन आज पवार मंगल भवन में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन पदाधिकारी और सामाजिक वरिष्ठ गणमान्य जन मौजूद थे। यहाँ पर मनाया जा रहा है छिंदवाड़ा जिले के समस्त आदिवासी समुदाय के ओर से आदिजन विकास महासभा ने इसका आयोजन किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो NU है उसके द्वारा दुनिया के अंदर जिन जिन देशों में आदिवासी निवास करता है उन उन देशों के लोगों के द्वारा उन उन देशों की सरकार के द्वारा अभी तक आदिवासियों के रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, यानी हम कहे जाए तो आदिवासियों के समग्र विकास के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है और वो अभी तक उनके सर्वांगीण विकास में कहां तक उनकी दशा पहुंची उसका लेखा जोखा आज हम यहां प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे साथ ही लाना है तो ही हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा हमारे बढ़ने से हमारा अच्छा यहां पर भाषा देने से बेहतर है कि उनको भी हमको इस आदिवासी दिवस के अवसर पर जोड़ना होगा। उनको वो भी हमारी बातें हमारा जो है सुनेंगे, हमारे विचार सुनेंगे, वो उसको एडाप्ट करेंगे और अपने जीवन की बेहतरी के लिए अपने बच्चों को वो भी पढ़ाएंगे। हम हिंदी भी हमारे कई क्षेत्रों में हिंदी भी सही प्रॉपर इंग्लिश हिंदी नहीं बोल पाते, इंग्लिश तो बोल ही नहीं पाते, तो भाषा को बिल्कुल विसार दिए हैं, छोड़ दिए,
इसलिए हमारी समाज की भावनाओं को समझना है। हम लोग बहुत कम लोग भारत देश में 8 से 10 राज्यों में गोंडी भाषा बोली जाती है। इस मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है, तो ये हमारा त्यौहार है, हमको घर से निकलकर यहाँ आना पड़ेगा। सम्मेलन के पश्चात आदिजन विकास महासंघ समिति ने शहर में विशाल रैली निकाली। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शासन द्वारा आज 9 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन ऐसे में जहां शासकीय कार्यालयों तक में कर्मचारी अवकाश पर थे, वहीं परतला के किड्स ग्लोबल स्कूल प्रबंधन ने नन्हे मासूमों को छुट्टी ही नहीं दी। इस मामले में युवक कांग्रेस पदाधिकारियों ने जानकारी मिलते ही स्कूल पहुंचकर ऐतराज जताया और जिला शिक्षा अधिकारी से उचित कार्यवाही की मांग की है। शासन के नियम के अनुसार जो नीति घोषित की जाती है, यह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, सिख रीति रिवाज के हिसाब से, उसी तरह से आदिवासी नीति रिवाज की, उसके तहत जो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है, ये लक्ष्य हो गया। हम दिवाल आदिवासी दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो बेटा आपको चलो। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और शासन के तहत आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज अवकाश जारी किया गया। किड्स स्कूल के संचालक द्वारा आज आदिवासी दिवस में जो छुट्टी शासन द्वारा आदेशित की गई थी उसका उल्लंघन करते हुए किड्स स्कूल द्वारा स्कूल संचालित किया गया। किड्स स्कूल के संचालक द्वारा आज स्कूल जो संचालित किया गया सरासर आदिवासी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। इसके लिए हम शिक्षा अधिकारी को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां हर तरफ तेज हो चली है। इस क्रम में शहर में कांग्रेस का जनसंपर्क अभियान जोरों से प्रारंभ है। आज पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों ने गोलगंज क्षेत्र में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, कैलाश पाटनी, कलश सचिन ताम्रकार तथा युवा नेता शरद टोपीवाला सहित युवा कांग्रेस नेता पदाधिकारी साथ थे। पंकज घर के साथ
दीपा बोलो भैया महिला मंडल के साथ अभी अपन सब लोगों को बोला सब लोगों को जिस दिन काका मुद्दा दशहरा वाला शरद पूर्णिमा का सबसे बड़ी हालत है कि 125 करोड़ रुपए रोड और नाली का और साथ साथ हर मत में चाहे वो सुपीरियर रोड की बात हो चाहे वो पेयजल की बात हो हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने 20% नेता ने और 20% अधिकारी कर्मचारी 40% पैसा खाया जा रहा है गुणवत्ता के आधार पर काम नहीं हो रहा है आम जनता को केवल गुमराह किया जा रहा है। आपने 4 दिन पहले देखा है सीएजी की रिपोर्ट आई मध्य प्रदेश सरकार को जो केंद्र का फंड डाइवर्ट करने का है उस पर रोक लगा दी गई और साथ साथ मध्य प्रदेश की सरकार जो 25,000 करोड़ का कांग्रेस हटी थी तब कर्ज था आज 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है और इसके साथ साथ पूरा फंड कुछ नहीं है लेकिन शिवराजी टीवी पे सारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इनने कवरेज किया हुआ है 80% बोगस घोषणाएं कर रहे हैं और जनता को कुछ नहीं मिल रहा गुमराह किया जा रहा है गरीबी रेखा में नाम नहीं आवास के मकान में 50,000 रुपये हर किस्त में 10,000 रुपये मांगा जाता है और सट्टा जुआ शराब गिट्टी फाड़ी रेत ये भारतीय जनता पार्टी का काम है 15-15, 20-20 लाख रुपये की रेत की चोरी रोज करते हैं और सारे की सारी शराब सट्टा जुआ में इनका हर जगह परसेंटेज है भ्रष्टाचार मचा हुआ जनता को गुमराह किया जा रहा है। कुनबी समाज द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए सकारात्मक पहल और परंपराओं को मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस क्रम में सामाजिक निर्णय के अनुसार परिवार के स्वर्गीय सदस्य के लिए मृत्यु भोज न करते हुए वृक्षारोपण की परंपरा शुरू की गई है जिसमें सभी सामाजिक सदस्य एकत्रित होकर कम से कम 5 वृक्षों के लिए पौधे लगाते हैं। इस क्रम में आज देवरे कॉलोनी में स्वर्गीय पांडुरंग देवरे की स्मृति में वृक्षारोपण किया गया। भैया थोड़ी एक मिनट के लिए बबलू मट्टी लेके हमारे समाज के वयोवृद्ध समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हमारे चंद्रभान जी देवरे सुधाकर जी देवरे के 6 भाइयों के परिवार में आज उनके पिताजी के निधन के बाद आज उनकी स्मृति में आज चूँकि समाज ने मृत्यु भोज का कार्यक्रम जो पहले समाज में होता था हमारे चंद्रभान जी देवरे समाज के अध्यक्ष बने उन्होंने नई परिपाटी बनाई परंपरा बनाई कि समाज में मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। हमें आज कहते हुए इस बात का गर्व है कि जो नियम जो संकल्प चंद्रभान देवरे जी अध्यक्ष रहते हुए लिया था उसका आज उन्होंने स्वयं ही इसका पूरा पालन किया। आज उनकी स्मृति में मृत्यु भोज न करते हुए उन्होंने आज पिताजी की स्मृति में आदरणीय स्वर्गीय श्री पांडुरंग देवरे की स्मृति में मेरे 5 पेड़ यहाँ लगाए हैं। हम सब समाज के बंधु अपनी ओर से समाज की ओर से वयोवृद्ध हमारे आदरणीय पांडुरंग जी देवरे को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी स्मृति में जो पेड़ लगाए गए हैं वो भले हमारे बीच में आज नहीं है लेकिन उनकी स्मृति उनकी यादें हमेशा हमेशा इन पेड़ों को देखते हुए हमारी ताजी होगी कि यह पेड़ हमारे उनकी स्मृति में लगाए गए हैं। हरी भरी हरे भरे पेड़ उनके परिवार के लिए समाज के लिए एक हरा भरा होने का संदेश देकर हमेशा हमारी याददाश्त ताजी रखेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः हमारे देवरे परिवार को बहुत बहुत
शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छा काम समाज के लिए पिताजी की स्मृति में किया। आप सब अपना परिवार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पिताजी ने जो काम किए, पिताजी के काम को आप आगे बढ़ाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद। नगर निगम क्षेत्र में विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह द्वारा विकास मूलक कार्यों का सिलसिला लगातार जारी है। इस क्रम में आज लालबाग क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर महापौर कांता सदारंग सहित स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद थे। कोई समस्या हो, कोई बात नहीं हो, आके आप अपनी बात आते हो कह सकते। और भैया किसी पर कोई पानी की समस्या है, कोई बिजली की समस्या हो, कभी और कोई अगर वार्ड में गली में मोहल्ले में कोई तकलीफ हो किसी को, बात में कहीं यार इसलिए बोले हमारी तो सुनी नहीं, ज्यादातर बेटा गया सोचते काम और बोलते जा रहा है। बीजेपी सरकार कोई खराब काम कर रही लगता है, बताइए भेजेंगे मोदी जी चुनाव के साथ, जनता का ऐसा चुनाव है, ऐसी बात अगर कोई भी बात किसी ऐसे नहीं तो सोच रहे कैसे बोले जनता बोलेगी, इसलिए मोदी जी रखते हैं ना 15 अगस्त कह रहे हैं चुनाव को लेकर राजनीति से मैं बोलूंगा, मन की बात वो रखते हैं लोगों की बात उनसे भी। मंत्री जी से विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्थिति क्लियर करे कि लोगों का कितना क्षेत्र जाएगा ताकि किसी जनता को परेशानी न हो पाए इस बारे में। और इस बात का ध्यान रखें कि किसी का ज्यादा नुकसान ना हो, ऐसी स्थिति में अगर सड़क थोड़ी कम चौड़ी कर दी जाती है तो दोनों तरफ के निवासियों को सुविधा होगी। वैसे भी सड़क बहुत चौड़ी है, आज की स्थिति में नाली से नाली बनाई जाए तो भी 3 ट्रक एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी की निजी भूमि नहीं लेंगे, जो रोड के अंदर भूमि होगी उसी भूमि के लेंगे, निजी भूमि किसी की नहीं लेंगे। इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहना, जनता से भी क्षमा मांगते हैं, जो 4 लाख मैंने आपको परेशानी हुई, वास्तव में बहुत परेशानी हुई लोगों को, और उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और ये जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने के अंदर रोड बन के कम्प्लीट होकर इस रोड का लोकार्पण हो जाए। इसी के साथ एक और रोड ये जो पीजी कॉलेज के ऊपर चलते वहां से लेकर खापा घाट तक वो भी माडल रोड के रूप में प्रस्तावित है, जैसे उसकी स्वीकृति आती है तो वो भी सीधी डाकर और नरसिंहपुर रोड से मिल जाएगी, तो पूरा ऐसे बड़ा सर्कुलर बाहर के बाहर बन जाएगा और एक अच्छी रोड छिंदवाड़ा के अंदर में माडल रोड के रूप में मिलेगी। होते हुए और छोटा तालाब तक वाली जो मॉडल रोड है इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 3 महीने के अंदर ये रोड बनके और कम्प्लीट होगी। 10 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से ये सड़क बन रही है। और एक और रोड हमने प्रस्तावित किया जो पीजी कॉलेज होते हुए और छापा घाट होते हुए जाके ये नरसिंहपुर नाके पर मिलेगी, ये पूरा ऐसी लिंक रोड अच्छी लोगों को मिले। इसी के साथ अभी धर्म के गली में 2 करोड़ रुपए की लागत से एक बढ़िया पार्क वहाँ पे डेवलप हो रहा है ताकि लोगों को पिकनिक घूमने की दृष्टि से वहाँ सुविधा प्राप्त हो, तो निरंतर छिंदवाड़ा शहर का विकास हो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत बड़ी संख्या में मकान शहर के अंदर में बन रहे हैं। ओवर ब्रिज जो है जीवी सेंटोरियम बाला मेडिकल कॉलेज के पास उसका भी जल्दी कार्य प्रारंभ होगा, उसकी सारी प्रक्रिया जो है वो हमने पूरी की है। मेडिकल कॉलेज में भी सारा स्टाफ हो गया, जल्दी मेडिकल कॉलेज भी छिंदवाड़ा में प्रारंभ होगा। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ ने आज संगठन जिला अध्यक्ष गुरुचरण खरे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। प्रशासन।
हमारी मांग है कि डॉक्टर गोगिया को बर्खास्त किया जाए जो यहाँ पे सीएमओ हैं, और हम चाहते हैं इनको तत्काल हटा के बर्खास्त करना है, क्योंकि आए दिन हमारे एफटीएससी के लोगों की मृत्यु वहाँ पर हो जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे एफटीएससी के मरीजों को उनके बेटे के अस्पताल में रेफर कर रहे हैं या नागपुर कर रहे हैं, पूरी कमी से पूरी का धंधा बना चुके हैं। और हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर दबाव डाला जाता है कि बाहर से दवाइयाँ खरीदें। तो इन सब मांगों को लेकर हम आज हमने उनका पुतला दहन किया है ईएलसी चौक पर। आज हमने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है, अभी डीन साहब को, हम जो मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उनको भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हमारी मांगों पर अगर एक हफ्ते के अंदर हल नहीं किया गया, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको हटाया नहीं गया, तो हम कलेक्टर सभा का उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ घेराव करेंगे, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को ना घुसने देंगे ना आने देंगे। ये हमारा ये मांग है, और पूरे एफटीएससी के लोग रहेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन चाहे पे डंडे लाठियां गोली चलाए, लेकिन अगर जब तक अगर प्रशासन नहीं जागा एक हफ्ते में और हो गया को नहीं, हम यहाँ जेल जाने को तैयार है, मार खाने को तैयार है, फारसी हम किसी यहाँ हम गोली खाने को भी तैयार है, क्योंकि हमारे एफटीएससी लोगों के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आप देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस, राजीव भवन में हुआ पूजन अनुष्ठान और सामाजिक सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस पर शासन द्वारा घोषित अवकाश के बावजूद खुला स्कूल, युवक कांग्रेस ने जताया ऐतराज। विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह द्वारा जारी है विकास कार्यों का सिलसिला, लालबाग क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। और विधानसभा चुनावों को लेकर तेज हुई सरगर्मियां, कांग्रेस का सघन जनसंपर्क अभियान सतत जारी, गोलगंज क्षेत्र पहुंचे पूर्व विधायक दीपक सक्सेना। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।